हेलो गाइस, राम राम, खमा गणी। क्या बिग बॉस 80 के सिद्धार्थ शुक्ला हैं रजत दलाल? जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे रजत दलाल को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कंपेयर किया जाता है, क्या वो सही है? जी हाँ दोस्तों, बातों में बात करें तो कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई उसकी कॉपी कर रहा है तो ही कंपैरिजन। मुझे तो नहीं लगता भाई रजत कॉपी कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की। बात करें तो 0% कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और वो एकदम रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा है, इसलिए उसको रजत दलाल को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई रजत दलाल सलमान के सामने बोलने से डरता नहीं है। इसके साथ ही बिग बॉस के सामने बोलने से डरता नहीं है। बिग बॉस दबाने की कोशिश करता तो रजत दलाल ऐसा रिप्लाई देता है कि बिग बॉस का मुंह ही बंद हो जाता है। शायद दोस्तों गणित या आंकड़ा हो, शायद बात करें तो कोई यदि बिग बॉस धमकाए रजत को तो वहां पर भी रजत दलाल आसानी से रिप्लाई दे देता है। चाहे एकता कपूर हो, चाहे रोहित शेट्टी हो, चाहे रवि किशन हो या फिर सलमान खान हो, हर किसी के सामने एकदम से अपना ओपिनियन देता है और सभ्य भाषा में ओपिनियन देता है, जिसकी वजह से लोग सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करें। मेरे हिसाब से रजत दलाल अलग है सिद्धार्थ शुक्ला से और सिद्धार्थ शुक्ला अलग है रजत दलाल से, क्योंकि दोस्तों दोनों की अलग पर्सनैलिटी है और दोनों के अपने ओपिनियन होते हैं, दोनों की अपनी अलग भाषा होती है, तो उसके हिसाब से कंपैरिजन करना कोई बात करें तो गलत है। जिस तरीके से एलविश यादव का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसी तरीके से रजत दलाल का किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो भाई रजत दलाल को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करना बहुत गलत है, क्योंकि रजत दलाल अपनी एक पर्सनैलिटी देते हैं, उसको आप रजत दलाल मानकर सपोर्ट करना है तो करीजिए, उसको सिद्धार्थ शुक्ला बनाकर या सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी बनाकर बिल्कुल भी हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ये राय है भाई, बात करें तो अनबायस तरीके से बोल रहा हूँ। रजत दलाल के जो ओपिनियन होते हैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट सही होते हैं, वो किसी के सामने डरता नहीं है और दब कर रहना नहीं उसे आता है। भले ही लाडला बना रहा है, बिग बॉस उन्हें फेवर कर रहा है, फिर भी रजत दलाल दब नहीं रहा है और गुम नहीं हो रहा घर के अंदर। बिग बॉस रजत दलाल की जितनी ज़्यादा क्लास लगाता है उतना ही ज़्यादा वो निखर कर आ रहा है, और बिग बॉस बात करें तो जितना रजत दलाल को दबाने की कोशिश कर रहा है उससे ज़्यादा ऊपर उठकर रजत दलाल शो में सामने देखने को मिल रहे हैं। अभी तक का मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक बात गालियों की है तो रजत दलाल ऐसा तो नहीं है कोई विवेन डिसन अविनाश मिश्रा पास में बैठे हैं उनको जाकर गालियाँ दे रहे। बिग बॉस 13 में भी बहुत ज़्यादा गालियाँ यूज हुई थी, आसिम और सिद्धार्थ ने भी बहुत ज़्यादा गालियों का उपयोग किया था और फाइटों में, और भाई बात करें तो कुछ गालियाँ नहीं दी हो लेकिन गालियाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा दी थी। ऐसे मत कहो भाई रजत दलाल गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा वो सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं ऐसा भाई मुझे नहीं दिख रहा है। जो बात करें तो हम 24x देख रहे हैं 7 लाइव, और हमें तो भाई नहीं लगता कि रजत दलाल 24 घंटे लाइव देख रहे हैं, और उनके आप जाकर मुंह पर बोलोगे और लड़ाई में भी आप बोलोगे सभ्य भाषा, तो भाई सभ्य भाषा वहाँ पर नहीं निकलती है। यदि आप बात करें तो पोकिंग करोगे और 2-2 घंटे पोकिंग करोगे और उसके कान पर जाकर गूंजोगे और उसके बाद आप सोच रहे हो कि रजत दलाल भाई आपसे सभ्य भाषा में बात करें, आपसे प्यार से बात करें, तो मेरे हिसाब से तो वो भाई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। और बाकी इस पर आपकी क्या राय, क्या रजत दलाल और सिद्धार्थ शुक्ला के गुण मिलते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि सामने बोलना और बिना किसी से डरे बोलना, यदि कोई बात करे तो वुमेन कार्ड प्ले करे या बात करे तो दबाने की कोशिश करे फिर भी सामने बोलना, वो ओपिनियन सेम हो सकते हैं लेकिन कॉपी वगैरह मुझे तो नहीं लगता भाई कोई कॉपी है, क्योंकि रजत दलाल अपना एक अलग फेस है, सिद्धार्थ शुक्ला एक अपना अलग फेस है। जी हाँ, बाकी अपनी राय कमेंट में दीजिए, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों। राम राम सा खमा गणी।